वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कैसे हो, बताने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और आप सभी को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? वैसे तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और अच्छे अच्छे ढेर सारे कमेंट आते भी हैं, तो उन सब के लिए थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियो लाइक भी करते हो, कमेंट जो भी लोग कमेंट करते हैं तो उनका दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग टाइम निकालते हो मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। फिलहाल देखिए एक नया दिन शुरू हो चुका है, अभी मैंने मंदिर बस साफ किया है, थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ और हस्बैंड भी बस ऑफिस के लिए निकल ही रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। खाना वगैरह जो है वो सब बन चुका है, इनका लंच भी पैक कर दिया है, इन्होंने खा भी लिया है। और मेरी मेड देखिए अभी जा रही है वापस बर्तन करके, ये मेरी बर्तन वाली मेड है। और मैंने चाय तो बहुत पहले ही बना ली थी बट पीने का टाइम नहीं मिला था, मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही पी लेंगे। तो चाय गर्म कर रही हूँ दोबारा से, तो आपको भगवाना थोड़ा जला जला सा दिख रहा होगा। और पराठे बनाए थे बच्चों के लिए तो एक रखा हुआ था तो मैंने वही ले लिया। आज मैंने इतना जल्दी जल्दी काम किया था सारा कि मैं अपना टाइम से चाय वाय पी लूंगी, लेकिन मेरी मेड ने मुझे लेट करवा दिया क्योंकि इनका जो लंच बॉक्स रहता है ना वो सुबह पड़ा रहता है धुलने में, तो अब मैं नहाने के बाद तो उसे धुलूंगी नहीं। अब मैं वेट कर रही हूँ, वैसे 9 बजे आ जाती है लेकिन आज 9:30 बजे आई, तो बस हस्बैंड खाना खा ही रहे थे उसी समय आ गए, तो मैंने कहा जल्दी से धुल दो, तब फिर लंच वंच उनको पैक करके दे दिया है। लेकिन मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, और अभी 10 नहीं बजे हैं, 10 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो चलिए चाय पी लेते हैं। गाइस मुझे लेनी थी सब्जी, मैं काफी देर से वेट कर रही थी सब्जी वाले भैया का, 2-3 तो सुबह से जा चुके हैं, उधर पीछे रहो ना कमरे में तो आते आते ही टाइम लग जाता है और वो लोग रुकते नहीं है, बस बोलते बोलते निकल जाते हैं। लेकिन एक सब्जी वाला फाइनली मुझे मिल गया, तो मुझे सब्जी लेनी थी क्योंकि आलू बिल्कुल भी नहीं था और हरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ टमाटर पड़े हुए, तो खाली टमाटर का मैं क्या ही बनाऊंगी, तो जरूरी था। फिर मुझे बनाना भी ले लिया मैंने बच्चों के लिए, और अभी मैं ये बैग से सब्जी जो है वो निकालूंगी और इसको दरवाजे के पीछे टांग दूंगी, यहीं पे रहता है। मैंने गोभी ले ली थी, आलू ले लिए थे, मिर्च और बनाना इतना ही मैंने लिया था, और बाकी मुझे कुछ सब्जी समझ में नहीं आई तो मैंने नहीं ली। तो चलिए इनको पहले रखते हैं जा कर के किचन में, फ्रिज में बनाना मैं नहीं रखती क्योंकि फ्रिज में मेरे को लगता है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अभी मैं रूम को ठीक करने में लग गई हूँ, यहाँ पर बेडशीट पड़ी है जो कि आयना सुबह मैडम हमारी यहीं पे छोड़ के गई हैं, तो इसको ना फोल्ड किया है किसी ने ना कुछ, ऐसे ही कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे। और ये जो डॉल है ना ये इसका पूरा बेड है, ये यहीं पे सारा दिन सोती रहती है। इस वाले रूम में ज़्यादा कोई आता नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए आए तो आए वरना ये वाला रूम जो है वो खाली पड़ा रहता है। तो ये डॉल का रूम है, आप लोग ये समझ सकते हो, ये इसको मैं यहीं पर ही लेटा के रखती हूँ। पहले ये बैग में थी जो ट्रांसपेरेंट पनिया होती ना उसमें थी, तो ये इसको मैंने टांग के रखा था। अब वो बैग तो आयना ने निकाल, यशी ने निकाल लिया था, फिर इसको टांगते नहीं बन रहा तो मैं बेड में ही लेटा देती हूँ उसको। उसके बाद फिर आ गए थे किचन में, बर्तन वगैरह कुछ लगाने थे स्टैंड में वो सब किया, एप्पल भी लिया था मैंने तो उसको मैंने पॉलिथीन से हटा दिया वरना खराब हो जाते। गैस मैंने बना दी है रोटियां और बर्तन भी लगा दिए स्टैंड में, एक बार देख लूं यशी आई क्या। वैन बहुत गर्मी तो नहीं आई है यशी, अभी मैं जा रही हूँ एसी में, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, 5 मिनट बाद फिर से बालकनी में मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा जब तक यशी नहीं आ जाएगी। यशी इधर दिखाओ आप कैसी लग रही हो, इतना तैयार क्यों हुई हो? हाँ तुम तो बहुत क्यूट लग रही है इस फ्रॉग में और इस क्राउन के साथ, लिपस्टिक किसने लगाई है? और आपकी भी। दिखाओ एकदम खड़ी रहो, अरे वाह कितनी क्यूट लग रही है यशी। अब क्या करना है आपको? मैं डांस करूंगी। अच्छा चलो गाना लगा दे फिर। हाँ। चलो लॉबी में टीवी ऑन करती हूँ, लगाओ गाना, वॉइस सर्च करो। आप लोग गेस करो स्टेप से कौन से गाने में ये डांस कर रही है, और मुझे जानना है देखना है कि कौन गेस कर पाता है सही सही सॉन्ग। यशी आपका एप्पल रखा है खाओ, और दीदी का भी उसे भी दे देना। नहीं। फिर क्या करोगी? बस ऐसे खड़ा कर दूंगी इसको, उसमें सामान रखूंगी। डिब्बा चाहिए तुम्हें? हाँ, इसके इसमें सामान रखूंगी।
देखो आंटी ने मेरा नया कप फोड़ दिया है। ऐसे क्यों करते हैं? नए कप फोड़ दिए मेरे, अभी इसमें किसी ने चाय भी नहीं पी। पूरे न्यू। आए ना, आप ले लो इसे, कोई बात नहीं, मैं कप कहीं और रख दूंगी, ले लो। अब मैं इसमें डॉल का सामान सजाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयना ने जो मुझसे लिया था ये कप वाला, उसका इसने कितनी सुंदर अलमीरा बनाई है, बहुत ही अच्छे से सजाया है। ये है आयना की किचन डॉल की, और यहाँ सब इसके नीचे टॉयज है। वाव, डॉल बैठी है, ये बेड है, बेड। आपने तो बहुत अच्छे सजाया है ना। हाँ। यहाँ यशी भी आई है देखने, दीदी ने असली डॉल आई है देखने के लिए कि दीदी ने कितना सुंदर सजाया है अपने खेलने के लिए। गाइज अभी ना शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ। बच्चे टीवी देख रहे हैं, आयना तो क्या कर रही है आप लोगों ने देखा ही, यशी टीवी देख रही है और मैं जा रही हूँ। अभी जस्ट मॉइस्चराइजर लगा कर आई हूँ, मैंने पाउडर नहीं लगाया, वैसे मैं पाउडर लगाती थी लेकिन मेरी स्किन में थोड़े दाने वगैरह हो रहे हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि पाउडर की वजह से हो रहे हैं मत लगाओ, तो मैं अभी ट्राई करती हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे दिन का वीडियो, तो अभी मैं आप सभी को लेकर के आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह बालकनी में। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम तो सुबह के बज रहे थे 6, और यहाँ पर मैं तो उठ गई हूँ लेकिन आयना और छोटा बच्चा उठ गया है, आपकी छोटी बहन उठ गई है, ये रही छोटी बहन, उठ गई क्या? अरे वाह, दीदी को भी उठाओ। यशी तो अब उठ चुकी है, मैं इन लोग को बोलती हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, यशी को तो बहुत ज्यादा शौक है डांस और एक्सरसाइज का। और मैं किचन में थी अपने खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, तो यशी मुझसे एक डॉल मांगने लगी जो यहाँ पर रखी हुई है, तो मैंने यहाँ से निकाल कर उसको दी। पहले वो उसकी ड्रेस मांग रही थी लेकिन उसके बाद डॉल भी मांगने लगी, तो मैं उसको दे करके आ गई हूँ। अब मैं किचन के अपने कामों में लग गई हूँ, हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर में उठेंगे, फिर यशी को वो रेडी करेंगे। आयना तो खुद से ही हो जाती है, आयना की टेंशन नहीं रहती, यशी की टेंशन थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका स्कूल भी जल्दी का रहता है, 7:30 वैन आती है, आयना की लेट आती है, तो इस वजह से यशी की थोड़े ज़्यादा हम लोग को टेंशन रहती है। छोटी भी है वो, तो उसको उठाने में थोड़ा दिक्कत होती है। आयना को तो चलो एक बार को नहीं उठ रही है तो डांट भी दो ना, और यशी को डांट दोगे तो वो पता चला स्कूल ही नहीं गई, तो यही सब प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मैंने सोचा था आज जीरा आलू बनाऊंगी, तो मैंने रात में ना आलू बॉयल करके रखे हुए थे, तो जीरा आलू में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने क्या किया है सोच लो आप लोग, 6:30 मैंने दाल और चावल धो करके रख दिए हैं कुकर में, अभी चढ़ाया नहीं है इतनी जल्दी से, बनाकर क्या करूँगी, बस अपना कोटा पूरा कर लूँ जल्दी से जल्दी अपना किचन का काम ख़त्म करने का, तो इसलिए वैसे भी पानी भी डाल के रख दिया तो जल्दी फूल जाएगी तो जल्दी पक जाएगी, तो इसलिए अभी धो करके ये मान लो अब मैंने रख दिया। उसके बाद आटा भी लगा लिया है, आटा लगाने के लिए मैं रूम में चले गए थे और रूम में ही बैठे बैठे वहाँ पे आटा भी लगाया, साथ में यशी से और आयना से मैं बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे सुबह बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं किचन में ही लगी रह जाती हूँ और उसी बीच में इनके वैन का हो जाता है टाइम, तो इसलिए मैं जो भी काम मेरे होते हैं जैसे सब्जी कट करने वाला, तो वो सब वहाँ रूम में बैठ करके ही करती हूँ मैं। अभी यशी ने फरमाइश करी है सैंडविच की, मैंने वैसे जीरा आलू बना दिया है, आटा लगा दिया था पराठे के लिए, तो अब लेकिन अभी थोड़ा देखती हूँ टाइम रहेगा तो बना देती हूँ सैंडविच कह रही है, और आलू के पराठे कह रही है, दो दो चीज़ें कह रही है वो भी, और आधे घंटे बचे हैं स्कूल के लिए बस। अब मैंने पूरी तैयारी अलग कर ली थी लेकिन यशी मुझसे कह रही है, वो शायद 2 दिन से भी बोल रही थी मुझे आलू के पराठे, बट मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि सब्जी वगैरह बना रही थी। आज क्या है कि सब्जी कट नहीं किया तो थोड़ा टाइम मेरे पास बच गया 15 मिनट, मैंने कहा चलो उसी 15 मिनट में इनके मन का कर दिया जाए, ये भी खुश हो जाएगी, 2-3 दिन से वैसे भी बोल ही रही है। तो मैंने आलू रखे हुए थे बॉयल, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट से मैंने मसाला तैयार किया और आटा भी लगा के रख ही दिया था, मैंने पराठे बनाए थे, तो यहाँ पर आलू के पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं यशी के लिए, आयना तो नहीं ले जाएगी, और उनका भी सैंडविच भी रेडी करना है, तो सैंडविच के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ब्रेड में टमाटो सॉस जो उनका फेवरेट है यशी मैडम का वो लगाया, वही आलू की फिलिंग जो मैंने आलू के पराठे में डाली वही इसमें लगा दी और बटर लगा करके सेक दिया, तो यहाँ पर इनका सैंडविच भी तैयार है, इसी टाइप का ये खाती है, उसको बहुत वेजिटेबल्स वगैरह डाल के तो पसंद ही नहीं है, तो चलिए फटाफट से अब इनका लंच पैक कर दिया जाए, वाटर बॉटल फिल कर दी जाए, और बैग तो वैसे तो लगा हुआ है लेकिन एक बार मैं अभी चेक कर लूँगी
बस इनके बाल बनाने रह गए हैं यशी के, और अभी हो गए 7:20, तो अभी 10 मिनट्स है। कभी कभी बस लेट भी हो जाती है, तो बस यहाँ पर आ गए मैं। अभी इसकी कॉम करके मैंने क्लिप लगा दी है, छोटी छोटी तो नहीं बनाती हूँ, और थोड़ा पाउडर लगा दिया है। तो यशी यहाँ पर हमारी हो चुकी है तैयार। क्या सामान ले जाते हो आप स्कूल बेटा? क्या करोगे इसका? थोड़ी देर खेलोगे इससे? हाँ, फिर पढ़ूंगी। ठीक है, जा रहा है बेटू स्कूल? वाह बेटा, स्कूल में ये रखा। वाह, अच्छा है। ये चलो, अब नहीं तो बस आ जाएगा। और लॉलीपॉप भी। लॉलीपॉप बैग में रख लेना और बाद में खाना, पहले क्या खाओगी? ये देखो, मैं फिर से दूध निकाल रही थी और गिर गया मुझसे, पूरा यहाँ तक फैल गया है। अभी से पूरा एक एक साफ करना पड़ेगा। ये है रात में जो मिल्क बचा हुआ था, वो मैं निकाल रही थी फ्रिज में, और यहाँ पर स्पेस आप देखो कम है। जैसे इसका फ्रिज का दरवाज़ा खोलो ना तो कम स्पेस रहती है, थोड़ा पूरा नहीं खुल पाता पीछे को, तो जिसकी वजह से भगोना भी बड़ा था तो मुझे निकालने में वो फंस गया, जिसकी वजह से पूरा दूध जो है वो गिर गया। अब ये पोछते तो बनता नहीं, इसीलिए मुझे वाइपर करना पड़ा। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।